अस्सलाम वालेकुम। कल हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया था। चैप्टर नंबर 3 की कल हम लोगों ने एक्सरसाइज डिस्कस की थी। ये देख लें, जिस चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने 8 कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे, के जी एम एन एन जी एल डब्ल्यू वाई, ठीक है, ये पढ़ा था हम लोगों ने। और आज हम लोगों ने पढ़ना है फर्स्ट प्लेस वावल्स। जो हम लोगों ने सेकंड प्लेस वावल्स पढ़ने थे 4, वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज हम लोगों ने अपने फर्स्ट प्लेस वावल्स पढ़ने हैं, ठीक है। सेकंड प्लेस वावल्स हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े थे? टोटल वावल्स कितने थे? 12। सेकेंड प्लेस में कितने आते थे? 4। फर्स्ट प्लेस में भी 4 और थर्ड प्लेस में भी 4। तो सेकेंड में कौन कौन से पढ़े थे हम लोगों ने? लॉन्ग ए, जिसको हम लोगों ने हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करना था, और इसकी एग्जांपल्स थी एप, पे। फिर हम लोगों ने शॉर्ट ई को डिस्कस किया था, जिसको लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते थे, और इसकी एग्जांपल्स थी एज, ठीक है। फिर लॉन्ग ओ को डिस्कस किया था, इसको हैवी डैश से रिप्रेजेंट करते थे, और इसकी एग्जांपल्स थी जो, टो, इस तरह की एग्जांपल्स। फिर हम लोग ने शॉर्ट यू पढ़ा था, जिसको लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते थे, और इसकी एग्जांपल्स थी अप, अस, ठीक है। वॉवल्स याद करने के लिए आपको चाहिए कि आप इनके साथ दो दो एग्जांपल्स याद रखें, फिर आप लोगों को वॉवल्स की पहचान होगी, ठीक है। ये हम लोगों ने सेकंड प्लेस वॉवल्स पढ़े थे। आज जो हम लोगों ने पढ़ने हैं वो हैं फर्स्ट प्लेस वॉवल्स। फर्स्ट प्लेस वावल्स में वो क्या कह रहा है? द नेक्स्ट 4 वावल्स आर रिटन इन द फर्स्ट प्लेस, डेट इज एट द बिगनिंग ऑफ द स्ट्रोक। कि जो हम लोगों ने स्ट्रोक की हमने पढ़ा था, 3 प्लेसेस होती हैं। जो सेकंड पे हम लोगों ने पढ़ा था, उसके उस पर वावल का साइन जो है वो सेकंड प्लेस पे लगाते थे। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट प्लेस पे वावल का साइन लगाना है, ठीक है। फिर ये कह रहा है, व्हेन द फर्स्ट वावल इन अ वर्ड इज अ फर्स्ट प्लेस वावल, द आउटलाइन इज रिटन इन फर्स्ट पोजीशन, डेट इज द फर्स्ट डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक इन द आउटलाइन इज रिटन अबव द लाइन। फर्स्ट पोजीशन आउटलाइंस कंसिस्टिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स आर रिटन अबव द लाइन। ये अब क्या कह रहा है? पहली बात तो ये कह रहा है कि सेकेंड प्लेस के जो स्ट्रोक्स थे, सेकेंड प्लेस वावल्स, जब हमारे पास किसी सेंटेंस में, किसी वर्ड में सेकेंड प्लेस वावल आता था, तो उसका स्ट्रोक हम लोग बिल्कुल लाइन पे रखते थे, ठीक है। स्ट्रोक बिल्कुल लाइन पे होता था, चाहे ये बी हो या टी हो या जो कोई भी हो, एम हो, कोई भी स्ट्रोक हो, उसको हम लोग बिल्कुल लाइन पे लिखते थे। अब फर्स्ट प्लेस में क्या करना है कि लाइन पे स्ट्रोक हमारा नहीं आना चाहिए, हमने अपना स्ट्रोक अबव द लाइन रखना है। ये देख लें, और इसमें वाजिया जगह छोड़नी है इन इसके दरमियान, ताकि नज़र आए, ठीक है। इतना नहीं कि आप इतना सा लिख के छोड़ दें, ये नज़र भी ना आए, वाजिया फ़र्क नज़र आना चाहिए, ठीक है, इस तरह। ये आप लोगों ने अपने जहन में बात बिठा लेनी है कि जब हम लोग फर्स्ट प्लेस वावल लिखेंगे किसी वर्ड में, तो हमें अपना स्ट्रोक जो है वो अबव द लाइन लिखना होगा, और इतना अबव द लाइन लिखना होगा कि वाजिया फ़र्क नज़र आए, ठीक है। फिर इसके बाद जब हम लोग अपना वावल साइन लगाएंगे, तो वो यहाँ फर्स्ट प्लेस पे लगाएंगे, एम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है।
अगर एम से पहले वावल आ रहा है तो यहाँ पे लगाएंगे, बाद में आ रहा है तो यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन लगेगा फर्स्ट प्लेस पे ही। ओके, अब फर्स्ट प्लेस वावल्स भी फोर वावल्स हैं, वो कौन कौन से हैं अभी मैं आपको ये पढ़ाने लगी हूँ, लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, ये मैं आप लोगों को एक दफ़ा पढ़ा दूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट प्लेस वावल है लॉन्ग आ, जिसको हम लोग हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसकी एग्जाम्पल्स है पा पा, पी का स्ट्रोक अबव द लाइन लिखा, साथ में हैवी डॉट लगा दिया फर्स्ट प्लेस पे। मा, एम का स्ट्रोक लिखा अबव द लाइन और फर्स्ट प्लेस पे डॉट लगा दिया। फिर है शॉर्ट ए, जिसको हम लोगों ने लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करना है, जिसकी एग्जाम्पल्स हैं एट, टी का स्ट्रोक लिखा अबव द लाइन, साथ में ए का डॉट लगा दिया। फिर है एड, डी का स्ट्रोक अबव द लाइन और डॉट लगा दिया। फिर है लॉन्ग आ, हैवी डैश से रिप्रेजेंट करना है, इसकी एग्जाम्पल्स हैं सा, एस का स्ट्रोक फर्स्ट प्लेस पे हैवी डैश लगा देनी है। फिर है बॉल, बी का स्ट्रोक, फिर एल का स्ट्रोक और डैश लगा देनी है। बी का स्ट्रोक भी देखें, हमने अबव द लाइन लिखा है, ठीक है, फिर साथ ही एल का स्ट्रोक लिख दिया। फिर है हमारे पास शॉर्ट ओ, जिसको हम लोगों ने लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करना है, और इसकी एग्जाम्पल्स हैं टॉप, पहले टी का स्ट्रोक अबव द लाइन, फिर पी का स्ट्रोक, फिर देन हम लोगों ने लाइट डैश लगा देनी है। फिर है ऑड, डी का स्ट्रोक और साथ में, सॉरी, यहाँ पे डैश, लाइट डैश, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनमें हम लोग फ़र्क कैसे करेंगे कि आ वाला आ रहा है या ये आ रहा है या ओ है या ए है, किस तरह से। तो इसमें मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ कि किस तरह से करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। देखिए बुक में भी वही बता रहा है, लॉन्ग आ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी डॉट, इसकी एग्जांपल्स भी शॉर्ट ए को लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करना है, फिर ये सारी इसकी एग्जांपल्स बताई हैं। फिर लॉन्ग आ को हैवी डैश से रिप्रेजेंट करता है, ये इसकी एग्जांपल्स, फिर शॉर्ट ओ को लाइट डैश से, फिर ये इसकी एग्जाम्पल्स, जो भी मैंने आपको समझाई है ना, ये वही कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। सर यहाँ पर एग्जाम्पल्स ज़्यादा दी हुई हैं। अच्छा, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। जो फर्स्ट प्लेस फोर वावल्स हैं, ये हमने फोर नहीं पढ़ने, इनको हम लोगों ने दो में तकसीम कर लेना है, दो में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। अब दो में डिवाइड कैसे करना है, अगर आप लोग देखें कि ये जो फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, इन सब की साउंड सेम है, जैसे पा हो गया, सा हो गया, टॉप हो गया, इन सब की सेम साउंड्स है ना, तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये लॉन्ग आ का साइन इसमें हम लोग लिखें, ये लॉन्ग आ का लिखें, ये शॉर्ट ओ का लिखें। देखिए जब हमें एक ऑफिसर है, कोई भी है, वो हमें कुछ दे रहा है, मतलब डिक्टेशन टेस्ट हमारा ले रहा है, जैसे एक वर्ड है वो बॉट, BOUGHT, ये वर्ड है अब बॉट, ठीक है। अब ये बॉट बोले या बोट बोले, वो जिस भी तरीके से बोले, हम उसको कुछ भी नहीं कह सकते कि वो मतलब गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है, हमने बस लिखना है, ठीक है। अब अगर बॉट बोले तो ये वाला साइन लगेगा, बॉट बोले तो ये वाला साइन लगेगा, लेकिन जब हम लोग स्पीड में लिख रहे होंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि हम लोग इसका साइन क्या लिखें, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने इन वावल्स को दो में तकसीम कर लिया है।
जब दो में हम लोगों ने तकसीम कर लिया तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे हमारे पास फर्स्ट वॉवल्स। अब देखिए दो में कौन से, किन में हम लोगों ने तकसीम किया, एक है आ, एक है ए, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास आ की साउंड आएगी हम लोगों ने वहाँ पे डैश लगानी है, चाहे वो हैवी लाइट हैवी डैश हो या लाइट डैश हो। अगर आप हैवी भी लगाएंगे लाइट भी लगाएंगे तो दोनों ठीक होंगी, ठीक है, समझ आ गया। जैसे कि है यहाँ पे क्या था, पा सा टॉप ऑड, सब में आ आ की साउंड आ रही है ना, तो इन सब में अगर हम लोग पा लिख हम अगर हमने पा लिखना है, पा के लिए अगर हम पी का स्ट्रोक लिख के साथ में अगर डैश लगा देते हैं तो ये भी हमारा सही होगा, ये गलत नहीं होगा, ठीक है, समझ आ गया। इसी तरह सा में भी आपकी मर्जी है लाइट डैश लगाएं या हैवी लगाएं, टॉप में भी आपकी मर्जी है लाइट डैश लगाएं या हैवी लगाएं। बस आपने इतना याद रखना है कि जहाँ पे हमें आ की साउंड आए साउंड आएगी ना, वहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, डैश लगानी है। इनको आप भूल जाएं, ये जो फोर वॉवल्स पढ़े हैं ना हमने, इनको भूल जाएं, बस इन दो चीज़ों को याद रखें। ये जो है ना, ये है फर्स्ट प्लेस वॉवल्स, ठीक है। सेकंड है हमारे पास ए। अब जहां पे हमारे पास ए की साउंड आएगी, जैसे कि ये हमने लिखा था एट, एड, स्टार्ट में हमें कौन सी साउंड आ रही है, ए, तो इसमें हम लोगों ने डॉट लगाना है, चाहे वो हैवी हो या लाइट हो। यहाँ पे भी आप शॉर्ट एक एग्जांपल्स देख लें, बैक, ए की साउंड आ रही है ना, बैक, शेडो, शे, ए की साउंड आ रही है, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास फर्स्ट प्लेस वावल है, ठीक है। कैश, ए, कैश, कैच, ए, मैप, ए, इन सब में ए की साउंड आ रही है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब स्टूडेंट्स एक बात पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे भी हमने लॉन्ग ए पढ़ा है, इनकी भी ये साउंड थी ए, एप, पे और ए, इनकी भी सेम, उनकी नज़र में, स्टूडेंट्स की नज़र में ये दोनों आवाज़ें सेम हो रही होंगी, तो उनको समझ नहीं आएगा कि हम लोगों ने ये डॉट लगाना है, ये मतलब ये फर्स्ट प्लेस वावल है या सेकंड प्लेस वावल है। तो इसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ है एट, ए टी ई, एट, और एक लफ्ज़ है एट, 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 डिफरेंट है ना दोनों, दोनों के साउंड्स में फ़र्क है, एट, एट, एट वाली साउंड कौन सी है, ये है सेकंड प्लेस की, सेकंड प्लेस वावल की है, ठीक है। और ए, मैंने ए जो मैं यहाँ पे ये ए समझा रही थी, इसमें मैंने ये नहीं कहा था कि ए की आवाज़ आएगी, ये जो मैंने लिखा है ना ये ए नहीं है, ये ए है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, जहाँ पे ए की साउंड आएगी वो फर्स्ट प्लेस वावल होगा। यहाँ पे कौन सी साउंड आ रही है, ए, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट प्लेस वॉवल, एट, इसमें ए की साउंड नहीं आ रही, जैसे
जैसे एप, पे, इनमें ए की साउंड आ रही है, ए की नहीं आ रही। तो इन दोनों में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये याद भी हो जाएगा। ओके, जैसे एट लिखेंगे तो हम लोग सिंपल टी का स्ट्रोक लिखेंगे। सेकंड प्लेस पे, जैसे सेकंड प्लेस वावल में जैसे हम लोग सेकंड प्लेस पे डॉट लगाते थे ना, इसी तरीके से एट में टी से पहले ए की साउंड आ रही है तो हम लोग सेकंड प्लेस पे डॉट लगा देंगे। और जब एट लिखेंगे तो हमारा स्ट्रोक जो है वो अबव दी लाइन होगा। टी का स्ट्रोक लिखा, एट, ए की साउंड पहले आ रही है तो हमने टी से पहले उसका साइन लगाना है वावल का, और फर्स्ट प्लेस पे। ओके, ये एट है और ये एट है। क्लियर हो गया? वावल्स क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। सिर्फ आपने क्या याद रखना है, फर्स्ट प्लेस वावल में से सेकंड प्लेस वावल में हम लोग ने इनकी चार किस्में पढ़ी थी, सब याद रखनी थी। फर्स्ट प्लेस में आपने क्या याद रखना है, ये याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखना है आ और ए। आ के लिए डैश, चाहे वो हैवी लगाएं लाइट लगाएं, और ए के लिए डॉट लगाएं, चाहे वो हैवी हो चाहे लाइट हो। अब आपने एक काम करना है, जब आप लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो आप लोगों ने बुक से नहीं पढ़ना, क्योंकि जब आप बुक से पढ़ेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि जैसे यहाँ पे पा के लिए यहाँ पे लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है, मैंने आपको बता दिया है कि आपने डैश लगा देनी है, आ की साउंड आ रही है तो आपने डैश लगा देनी हैवी या लाइट लगा देनी है, ठीक है? तो वो भी आपका सही होगा। लेकिन जब आप बुक में देखेंगे कि ये तो भाई डॉट लगा हुआ है तो फिर आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये नहीं करना, ठीक है? चैप्टर नंबर 4 आप लोगों ने बुक से नहीं पढ़ना, जो मैंने लेक्चर नोट ऑन करवाया है मेरा लेक्चर सुनना है, और यहीं से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? एक काम करना है आप लोगों ने, ये जितनी भी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं ये आप लोगों ने लिख लेनी है एग्जांपल्स, सिर्फ इनकी इंग्लिश, मतलब सिर्फ इंग्लिश आप लोगों ने लिख लेनी है, और उसके बाद बुक बंद कर देनी है, और ज़बानी आप लोगों ने इनको शॉर्ट हैंड में लिखना है इन एग्जांपल्स को, ठीक है? और जब आप लिख लें तो आपने मुझे चेक करवाना है, आपने बुक से चेक नहीं करना बिल्कुल भी, आपने खुद चेक नहीं करना बुक से, क्योंकि बुक से फिर आप लोगों को लगेगा कि हमने सारा गलत किया है, बुक में तो साइंस चेंज हैं, हमने चेंज लगाई है। नहीं, सारी एग्जांपल्स आप लोगों ने लिखनी है और मुझे चेक करवानी है। ओके, तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे हमारे पास इसने थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म्स दे दी हैं। कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 शॉर्ट फॉर्म्स इस चैप्टर में बता दी हैं। वो कौन कौन सी हैं मैं आपको बताती हूँ। पांच शॉर्ट फॉर्म्स हैं। अब फॉर है, FOR, फॉर। फॉर के लिए जो हमारी शॉर्ट फॉर्म यूज़ होगी वो अबव द लाइन यूज़ होगी, और F का स्ट्रोक जो है ना, एफ़ का स्ट्रोक हम लोग अबव द लाइन लिखेंगे, ठीक है? अबव द लाइन हम लोग एफ़ का स्ट्रोक लिखेंगे तो उसका मतलब होगा कि ये फॉर है सेंटेंस में। ए और एन, जैसे डी का डॉट हम लोग ऑन द लाइन लिखते होते थे, अगर हम लोग अबव द लाइन डॉट लगा देंगे तो ये आ या एन बन जाएगा। ऑफ के लिए जैसे टू की डैश टिक हम लोग लगाते होते थे ऑन द लाइन, इस तरह से यही डैश अगर हम
अबव दी लाइन लगा देंगे तो ये ऑफ बन जाएगा। ठीक है, ऑन के लिए फिर जैसे बट का साइन था ये ऑन दी लाइन, अगर इसी साइन को हम लोग अबव दी लाइन लिखते हैं तो ये ऑन बन जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड है हेड। डी का स्ट्रोक हम लोग लाइन पे लिखते थे तो ये डू बन जाता था। ठीक है, या तो ये डी का स्ट्रोक होता था या डू बन जाता था। यही स्ट्रोक अगर हम लोग अबव द लाइन लिखेंगे तो इसका मतलब बन जाएगा ये हेड। ये पांच शॉर्ट फॉर्म्स आपने याद करनी है। ये सारा जो मैंने लिखा है ना ये साइड पे, ये सारा मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि एफ का स्ट्रोक है, ये जो डी के लिए डॉट लगाते थे वो है, जो टू के लिए डैश लगाते थे वो है, बट के लिए जो डैश लगाते थे ये वो है, डी के लिए जो स्ट्रोक लिखते थे ये वो है। ठीक है, ये सारा मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये चीज़ आपने याद करनी है, प्रैक्टिस करनी है। फिर हमारे पास दो तरीकों से बता दिया है फ्रेज। फ्रेज में कह रहा है देखें, ऑन दी और बट दी, द साइंस फॉर ऑन एंड बट स्लाइटली स्लांटेड। इसमें अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑन दी और बट दी को फ्रेज में किस तरह से लिखना है। अब जैसे हमारे पास अगर हम लोग अकेला अकेला देखें, ठीक है, अकेले अकेले इसको देखें, ऑन है, ऑन के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अबव द लाइन टिक लगा देना है। ठीक है, डी के लिए हमारे पास डॉट होता है ऑन द लाइन, लेकिन जब हम इनको फ्रेज में लिखेंगे तो हम लोग यहाँ से इस, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑन का पढ़ा है ना कि इसका सीधा टिक होता है, इस तरह से नहीं लिखेंगे। जब हम लोग इसको फ्रेज में लिखेंगे तो हम लोग इसको हल्का सा स्लांटेड कर देंगे। ठीक है, हल्का सा ऊपर वाला जो है हमने इसको स्लांटेड कर देना है। ऐसे ही बट दी, बट के लिए सीधा टिक होता था, साथ में दी के लिए डॉट होता था, लेकिन जब हम लोग फ्रेज में लिखेंगे तो इसको भी हम हल्का सा स्लांटेड कर देंगे। ठीक है, ऑन दी लाइन, ऑन दी जो है वो अबव दी लाइन लिखना है, बट दी जो है वो ऑन दी लाइन लिखना है। ओके, इसलिए इसने बता दिया है कि हल्का सा स्लांटेड करना है इसको। अब आप लोग काम करें, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें मेरे लेक्चर का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। होमवर्क यही है कि आपने इन सब की प्रैक्टिस करनी है, समझना है इनको, पहले समझना है और उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस करनी है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये जो था ये चैप्टर नंबर 4। बट आपने बुक से प्रैक्टिस नहीं करनी, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सिर्फ आपने ये एग्जांपल्स नोट डाउन करनी है और उसके बाद इनको शॉर्ट हैंड में लिखना है ज़बानी बुक बंद करके, और फिर मुझे नोट डाउन करवाना है। ये थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म्स की बन थी, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, कल हम लोग इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 7 और एक्सरसाइज नंबर 8, फिर उसके बाद आगे आ जाएगा सेकंड पोजीशन, ये हम बाद में पढ़ेंगे। कल हम लोग इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और ये आपका होमवर्क है, समझना है, करना है।
अगर कोई बात समझ नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप लोगों ने कांटेक्ट कर लेना है, और जो भी क्वेश्चंस हो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।